साथियों, आज का मेरा यह वीडियो संदेश देश के उन तमाम युवाओं के लिए जो कोर्ट मैरिज के नाम पर घर से निकल जाते हैं, मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं घर वालों की असहमति से, और केवल इस डर से कि घर वाले उनको डांटेंगे, मारेंगे, अलग कर देंगे, वह अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। कभी सोचा है आपने संदेश मेरा इस देश के सभी युवाओं के लिए, कभी सोचा है कि जिन मां बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपकी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आपके हर चीज के लिए दिन रात मेहनत की, आपके लिए सपने देखे, आपके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की है, उन्हीं मां बाप को बिना बताए आप घर से निकल जाते हैं और घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और फिर फोन स्विच ऑफ, कहां हो किसी को पता नहीं, और वो मां बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, क्योंकि आपकी नजर में बड़े हो चुके हैं, लेकिन आपके मां बाप की नजर में आज आप आज भी छोटे बच्चे हैं। उन मां बाप कर क्या गुजरेगी? क्या वो चैन की रोटी भी तोड़ पाएंगे? क्या वो सुकून के दो पल भी बिता पाएंगे? क्या उनके पड़ोसी, आपका समाज, आपके आस पड़ोस के लोग उनको चैन से जीने देंगे? साथियों, युवा इस बात सोचता ही नहीं है, अपने मां बाप की तकलीफ को, उनकी परेशानी को, उनके पास पड़ोस के लोग उनके बारे में क्या बातें करेंगे, उनको सोचता ही नहीं है। एक मां बाप कभी यह नहीं सोचेगा लोग क्या कह रहे हैं, वो सोचता है मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा होगा, जो अपने हाथों से कभी खाना बना के नहीं खा सकता था, जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वो आज कहां होगी, किस हाल में होगी, कहीं ऐसा तो नहीं उसे काट के किसी सूटकेस में डाल दिया गया। मन में हजारों शंकाएं, हजारों चिंताएं उमड़ती रहती है, रात को नींद नहीं आती है। मेरा देश के तमाम युवाओं से कहना है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने घर वालों को बताने का साहस रखें। यदि आपको मन ही मन ऐसा लग चुका है कि घर वाले किसी भी कारण से आपकी बात को नहीं मानने वाले, तो कोर्ट मैरिज आप कर भी लेते हैं तो कोर्ट मैरिज करने के बाद फोन को स्विच ऑफ करना कोई विकल्प नहीं है। फोन को स्विच ऑफ करने के बाद आप किस जगह रहते, किसी को ख्याल नहीं होता है, और उन हजारों चिंताओं के अंदर आपके घर वाले हॉस्पिटल तक में एडमिट हो जाते हैं। यदि आपको कोर्ट मैरिज करनी है, करें, माता पिता के खिलाफ जाना है, जाए, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करना? अरे अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो, जो वकील साहब है आपके, जिनके माध्यम से आप कर रहे हो, या जो संस्था है उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, आप उनकी उन्हीं के नंबर से अपने परिवार वालों को फोन कर दीजिए, सूचना दे दीजिए, अरे उनकी मौजूदगी के अंदर उनको बुला लीजिए, आपस में मीटिंग कर लीजिए, काउंसलिंग कर लीजिए, लेकिन यह कदम उठाना गलत है, बिल्कुल भी गलत है। या फिर आप घर छोड़कर कहीं चले भी जाते हैं, नो डाउट आपको जाना, आप जाइए, लेकिन फोन उठाइए तो सही, उनसे बात कीजिए तो सही। आपके दिमाग में डर बना रहता है कि पुलिस एमपीआर दर्ज हो जाएगी, हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे अरेस्ट कर भी लेगी तो पुलिस क्या कर लेगी? जब लड़की अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है, वह पति के साथ रहना चाहती है, वह बालिग है, तो दुनिया का कौन सा कानून है जो आप दोनों को अलग कर सकता है? हम तो खुला कहते हैं कि शादी होने के बाद यदि दोनों जीवित है तो ऊपर वाला भगवान भी चाहे ना, तो भारतीय कानून के अंदर आपको अलग नहीं कर सकता है। एक बार शादी हो जाने के बाद दूसरा विवाह यदि कोई दूसरा पक्षकार करता है तो पहला पक्षकार आपत्ति कर सकता है। आपसी सहमति से तलाक भी चाहो ना तो वो भी एक साल पहले नहीं होगा। ऐसी स्थिति में फोन स्विच ऑफ करना युवाओं के लिए सबसे बड़ी गलत बात है। मैं देश के तमाम युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि उन मां बाप को सोचो, उन मां को सोचो, उस परिवार को सोचो, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, वो कितने दर्द और कितने तकलीफ से गुजर रहे होंगे, और आप है कि फोन को स्विच ऑफ करके मजे की जिंदगी जी रहे हैं, ये गलत है।
यदि आपने कोर्ट मैरिज करनी है कर ली, उसी एडवोकेट के सामने, उसी वकील के सामने, उस संस्था के सामने अपने माता पिता को बुला लीजिए, अपनी बात को रख लीजिए, या फिर रहना है तो उसी शहर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन तो चालू रखे, अपने माँ बाप से बात तो करे। कई लड़के लड़कियां जब कोर्ट मैरिज करके चले जाते हैं ना, महीने महीने डेढ़ डेढ़ महीने अपने माता पिता से बात नहीं करते। अरे कौन सी एनपीआर दर्ज होने पर पुलिस आपके लिए बैठी हुई है कि उठ के आएगी ना आपको अरेस्ट कर लेगी? अगर किसी शहर के एक कोने में आप अपना फोन चालू करके अपने माँ बाप से बात भी करोगे ना, और फिर वही स्विच ऑफ करके जब दूसरे एरिया में जाओगे, कौन सा पुलिस आपकी लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार कर लेगी? ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि वो संतान जिसने 20-25 साल अपने माँ बाप के साथ बिताए, वो माँ बाप के दर्द को नहीं समझते, उनकी तकलीफ को नहीं समझते। ऐसा करना प्रत्येक युवा के लिए गलत है। कोर्ट मैरिज आपकी अपनी चॉइस है, भारतीय संविधान में आपको यह अधिकार दिया है, आप बालिग है, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, आपकी उम्र 18 साल 21 साल पार है, आप रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि अपने माँ बाप को दुखी करें, माँ बाप की तकलीफ को समझें। और यदि आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि माँ बाप को फोन पे बात करें। डर लगता है, डांटेंगे मारेंगे, अरे फोन के अंदर घुस के मारेंगे क्या? और वो अंदर कितना कूट रहे हैं, अंदर में अंदर कितना जल रहे हैं, इसका सोचा क्या आपने? साथियों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी आप अपने निर्णय स्वयं करें, लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद, घर छोड़ने के बाद जो आप फोन स्विच ऑफ करते हो ना, वह उन लोगों के हृदय पर छुरिया चढ़ता है, उन लोगों को चैन से सोने नहीं देता है। यदि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, कोई भी युवा जो वीडियो सुन रहा है अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो भले कोई भी स्टेप क्यों नहीं उठा लिया आपने, अपने माँ बाप से 2 घड़ी बात जरूर करें।